मायापुर में गए थे, तो वहां पे भाई जब फॉरेनर्स था वहां पे आके सब डांस कर रहा था बेसिकली, तो सॉन्ग कि भाई वो सब गाना गा रहा था, उनका एक बच्चे को या फिर देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा था कि वो सब हमारा जो रिलीजियन है, हमारा जो गॉड्स है, उन सबको रेस्पेक्ट कर रहा है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा था। चारों ओर हरियाली थी ना, और उसके पास ही था गंगा नदी, तो उसने भी बहुत अच्छा, मम्मी तुम्हें कहीं घूमा नींद आ रहा है तो देखो थोड़ा सा हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो। तो आज होने जा रहा है एक इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ मेरा पुराना शॉर्ट्स का रिएक्शन वीडियो एपिसोड 2। तो किसके साथ होगा वो तो आप कुछ देर बाद ही देखोगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब भी जानते हो कि मैं मेरा चैनल में क्लास 11-12 में बहुत सारा 11 में बेसिकली बहुत सारा शॉर्ट्स डालता था जो मन में आता था एडिटिंग सीखने के लिए, तो उन सब शॉर्ट्स को मैं रिएक्शन देकर डिलीट कर देता हूँ चैनल से, क्योंकि भाई बेकार शॉर्ट्स है सब, बेकार नहीं पर एक क्या बोलूं लेवल होता है ना लाइफ में, लेसन का। तो उस लेवल में मैंने सीखा था कैसे एडिटिंग करते हैं, इस लेवल में मैं जानता हूँ क्या एक यूट्यूब चैनल होता है, तो हाँ, तो उन सब वीडियोज का रिएक्शन करके मैं डिलीट कर दूंगा मेरा चैनल से। तो बेसिकली आप सब इस वीडियो में वो सब देख पाओगे, तो मैं बेसिकली ए टू जेड होता है ना उस तरफ से मैं आज रिएक्शन करूंगा सबसे पहले का कुछ वीडियोस का, कोई कैटेगरी में नहीं, बिल्कुल जेड टू ए तक ऐसे करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा गेस्ट है मेरा मम्मी, जो एपिसोड 1 का भी गेस्ट था, तो कुछ देर बाद ही आ जाएगा यहाँ पे। तो 1, 2 and 3। तो गाइस मम्मी यहाँ पे आ गया है, तो हाँ मैं तो इससे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो चलो अभी हमारा वीडियो को शुरू करते हैं ना मम्मी। चलो एक स्माइल दो अच्छे से, स्माइल। चलो वाओ दारुण हंसी, चलो स्टार्ट करते हैं, आज बहुत मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ रैंडमली देख रहा हूँ, तो फर्स्ट जो वीडियो ये रहा मेरा चैनल भी खुला है पापा को मोबाइल में, तो फर्स्ट वीडियो शुरू करते हैं इससे। चलो तो ये बेसिकली हम लोग मायापुर में घूमने गए थे कृष्ण जी, आप सब यहाँ पे वीडियो आई थिंक देख पा रहे हो, तो हाँ यहाँ पे हो रहा है बेसिकली। एक मिनट करके मैम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेसिकली भगवद गीता के सब लिखा था सब जगह जगह पे कि क्या करना चाहिए, बंगाली में लिखा है बेसिकली। पर भाई मैं ना कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये सब देख कर बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, तो हाँ यही बोलना चाहता हूँ। मम्मी देखो देखो कृष्णदेव का बहुत सारा लिखा है, तो हाँ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, एक आई थिंक क्या बोलू फूल गाज टच का वीडियो किया था बेसिकली एडिटिंग सीखने के लिए। मम्मी देखो यह है शिशेंदु सर का घर में, फर्स्ट भाई ये सब लगाया था टॉप में, उसका वीडियो करके मैंने छोड़ दिया। देखो कैसा हूं मैं उस समय, भाई 11 का फर्स्ट उस समय होता था, तो चलो यार क्या देखोगे, ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है ये है बेल गाछ, जिसको हिंदी में क्या कहते मैं नहीं जानता। ये बेसिकली मैं जहाँ पे फिजिक्स पढ़ता हूँ सोमेन सर के पास, तो सोमेन सर इसके अंदर एक समय ऋतुव्रत उसका घर में पढ़ाया था, तो ऋतुव्रत का पापा का ये गार्डनिंग का शॉप है, शौक है, उसके लिए लगाया था उनका छाद में। तो नेक्स्ट भी ऋतुव्रत का घर का ये, क्योंकि उसका पापा भाई बहुत शौकीन है ये गार्डनिंग का। मम्मी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई बहुत सारा फ्रूट्स का गाछ था, बहुत सारा, तो हाँ उसके लिए वीडियो किया था। क्या बोलू, अनार से शुरू करके मैंगो, बहुत भाई बहुत, आप सब देख पा रहे हो आई थिंक वीडियो में, कूल, लेबू, शोबेदा, बेल, भाई बहुत। तो चलो ऋतुव्रत। नेक्स्ट है भाई हमारा बायोलॉजी प्रैक्टिकल का, ये रहा आप सब आई थिंक देख पा रहे हो मेरा बायोलॉजी बॉक्स, इसके अंदर सब बायोलॉजी का टूल रखा था, वही वीडियो करके छोड़ दिया था जब छोटा था, तो हाँ आप सब देख पा रहे हो क्या क्या लगता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, एक तूली और क्या क्या है आई थिंक। अच्छा है ना, ये पे आई थिंक देख पा रहे हो अच्छे से ही, तो सब वीडियो किया था मैंने। चलो खत्म, नेक्स्ट। हाँ हाँ, तो मम्मी बेसिकली बोल रहा है कि तू कंट्रोल कैसे कर रहा है वो, हाँ और वीडियो के बारे में भी पूछ रहा था, तो मैं बेसिकली एक ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ क्या बोलूँ, इससे कंट्रोल कर रहा हूँ, ये भाई मैं ट्राइपॉड के साथ दिया था,
तो नेक्स्ट भी है रितोब्रतो का घर में, ये और एक वीडियो है चेरी का, आई थिंक चेरी मैंगो इसको कामड़ा का बोलते हैं, छोटा एक गाछ सब टॉप में लगाया था, बहुत सुंदर था, तो मैंने वीडियो करके छोड़ा था। उस समय तो भाई मैंने फुल वीडियो नहीं करता था, तो ये शॉर्ट्स ही बनाया था। तो ये तो ब्रो तो शोमिक नोबु ये सब भाई बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये भी खत्म। चलो हाँ, ये मम्मी एक शादी का है, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी छाड़ा था मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो में, और एक बार देख लो आप सब। राजा नहीं, ये है मीमी दीदी, मीमी दीदी का घर में वो था ना शादी, उस शादी में तो मैंने पापा हम तीनों ने मस्त एक बहुत अच्छा पिक्चर तुला, तो वो आप सब देख लो, गांगुली फैमिली। तो नेक्स्ट वीडियो, चलो तो नेक्स्ट वीडियो है एक बिल्ली का। तो हाँ ये देखो मम्मी कितना क्यूट है ना, बहुत मुझे भाई बिल्लू बहुत क्यूट लगता है, ये दोनों भाई एक साथ था मैंने हिंदी बंगाली मॉम हिंदी बोल रहा है, कैट जो कैट वो ये क्या ना कुछ कैट हिंदी पहले बोल सकता हूँ अच्छे से। अच्छा मम्मी जस्ट रिएक्शन दे रहा है, उतना हिंदी नहीं बोल पा रहा है। नेक्स्ट वीडियो ये है साइंस प्रैक्टिकल का कुछ वीडियो, आई थिंक मैं पढ़ता था बुक उन सब बुक्स का, और मेरा खाता का एक वीडियो करके छोड़ा था साइंस में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का प्रैक्टिकल होता है उसका, तो आप पास में देख पा रहे हो। तो हाँ खत्म। तो अभी नेक्स्ट है मैंने और मम्मी ने क्या बोलते हैं इसको, फ्राइड राइस और चिली चिकन बनाया था, उसका वीडियो करके भी छोड़ा था, है ना मम्मी? अच्छा है ना मम्मी? और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, फर्स्ट टाइम लाइफ में। तो हाँ इसका तो चलो, आई थिंक ये जो चिली चिकन है हमने खरीदा था ना, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो नेक्स्ट चलो, तो नेक्स्ट है कृष्णा जी का ये पिक्चर, तो मैं तो कृष्णा जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मम्मी, ये नमस्कार हरे कृष्णा। तो हाँ ये एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने पाया था, उसके लिए एडिट करके छाड़ दिया था। ओके तो हाँ चलो, ये वीडियो भाई बहुत बड़ा है, इसका सॉन्ग है, बस सॉन्ग लीड करके दे रहा हूँ। तो खत्म गाइस, नेक्स्ट वीडियो, तो ये वाला वीडियो है एक क्या बोलो, मेरा जो पुराना क्या वो मेरा स्कूल था, उस स्कूल का पीछे का साइट का, तो मैंने एडिट करके डाला था ये वीडियो। बेसिकली मेरा स्कूल हो आप सब देख पा रहे हो, स्कूल का पीछे का एक कुकुर है, ये मेरा पुराना स्कूल टैंगनाकोनी हाई स्कूल का। तो कुछ फोटो तुला था, फोटोज है बहुत अच्छा हुआ था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एडिट करके डाल देता हूँ। तो हाँ मम्मी देखो कितना सुंदर है ना, जंगल था मार्ट के पास, भाई बहुत बड़ा मार्ट था, स्कूल के अंदर एक मार्ट था टैंगनाकोनी स्कूल के, और उसके बाहर भी एक बहुत सुंदर मार्ट था, और मार्ट के पास ये जंगल था, बहुत सुंदर लगता था। और मार्ट के पास बाहर जो मार्ट था, उस मार्ट के पास ये घाट था, बेसिकली ये पुकुर, तो बहुत भाई सुंदर था, क्या बोलू। और ये हाँस हुआ पे राजहंस था, सो ब्यूटीफुल। तो हाँ चलो, तो अभी नेक्स्ट वीडियो, तो ये वीडियो है हम लोग बोटानिकल गार्डन में जा रहे थे, हमारा एम सर लेकर जा रहा था बस में, तो उस समय का एक वीडियो, मम्मी भी गया था, आई थिंक गया था ना बोटानिकल गार्डन में, मम्मी मैं हम सब, मेरा अकेले का मम्मी गया था उस समय, हाँ बोटानिकल गार्डन, तो उस समय का, तो एक जस्ट वीडियो करके डाला था, तो हो गया। तो चलो खत्म, अभी नेक्स्ट वीडियो में है हम लोग बोटानिकल गार्डन में पहुंच गए थे, ये है बेसिकली इसका नाम अभी चेंज करके दिया है, अभी इसका नाम हुआ है जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन बेसिकली। तो ये है मैप पूरा जो बोटानिकल गार्डन, यहाँ पे भाई ग्रेट वैनियन ट्री है, जो एशिया के अंदर सबसे बड़ा वैनियन ट्री है, तो वो देखने गया था, मेरा अकेले का मम्मी गया था, उसके लिए सब दोस्त मुझे बोल रहा था, बट क्या है भाई मेरा मम्मी है तो हाँ ना। तो उसके बाद हमने घूमा, ये रहा आप सब देख पा रहे हो आई थिंक यहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर बहुत मजा आया था भाई, बहुत सुंदर था, उसका एक वीडियो मैंने किया था, वही भाई फर्स्ट टाइम था आई थिंक प्रॉपरली वीडियो किया था आई थिंक, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो हाँ तो चलो, अभी नेक्स्ट में है मेरा फिजिक्स बुक का एक वीडियो, महाकर्ष चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ फॉर का एक चैप्टर का बेसिकली, ये रहा। तो हाँ मम्मी आई थिंक को समझ नहीं, वो उसका वीडियो करके डाल दिया था। तो हाँ मम्मी कैसे है बोलो? अच्छा वालो, तो हाँ ये वीडियो था। हाँ, वालो, अभी नेक्स्ट वीडियो है बोटानिकल गार्डन में पहुंच गए थे, तो मम्मी और आई थिंक मम्मी ना ये फिर बोटानिकल
ओके तो हाँ ये बेसिकली बोटैनिकल गार्डन का अंदर का था भाई, वो भी बहुत सुंदर फ्लावर्स गार्डन था, वो सब देखा मम्मी और मैं, तो बहुत अच्छा लगा था वो देखकर। इन अ ब्यूटीफुल गार्डन मैंने लिखा था। तो हाँ अभी नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है ग्रेट बैनियन ट्री के पास में चला गया था, हम लोग गए थे 14 अगस्त में, तो 15 अगस्त देश का क्या बोलूँ स्वाधीनता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए भाई सजाया था ग्रेट बैनियन ट्री, क्योंकि वो है हमारा इंडिया का एक सिंबल है ना, तो भाई वो जो बैनियन ट्री था ना भाई नेक्स्ट लेवल, बर्ड गज हिंदी बंगाली में। तो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट भी आई थिंक बैनियन ट्री का ही एक पिक्चर है, तो उसका जो डाल था उस डाल से जो कली आ रहा था वो सब भाई बार्श देकर सब ये किया था, हमारा बायोलॉजी का सर एम सर ले गया था, जैसे हम लोग बायोलॉजी में थोड़ा सा ये सब समझ पाए बेसिकली क्या होता है बैनियन ट्री, और मम्मी अच्छे से ही देख रहा है, आप सब भी आई थिंक देख पा रहे हो, तो ये रहा। तो भाई बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे जाकर, और भाई जो ट्री था ना भाई नेक्स्ट लेवल। तो हाँ ये भी खत्म, तो अभी नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट भी आई थिंक पूरा क्या बोलू बोटानिकल गार्डन का मार्ट का मैंने खोला था, यह पूरा पूरा बोटानिकल गार्डन का जो गेट बैनियन ट्री था उसका पूरा, मम्मी को भाई आई थिंक नींद आ रहा है, तो जो भी ये देखो मम्मी, तो ये थोड़ा सा बोरिंग है बेसिकली, पर उस समय में बहुत बारिश था, तो ये वीडियो किया था पूरा ग्रेट बैनियन ट्री का। तो नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, तो अभी नेक्स्ट है भाई बोटानिकल गार्डन का ही सब फुटेज, क्योंकि मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया था छोटा वीडियो, ये जो एक ताल गाछ है बंगाली में ताल गाछ कहता है, इस ताल गाछ भाई बहुत शाखा है जो बेसिकली ताल गाछ में नहीं होता है, तो एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है ना मम्मी, देखो ताल गाछ में बहुत सारा शाखा है। तो हाँ बहुत अच्छा लगा था उस समय देखकर, अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से वो एक गार्डन का एक वीडियो किया था, तो वो फिर से डाल दिया था, तो वहाँ भाई बहुत अच्छा लगा था, चारों ओर हरियाली थी ना, और उसके पास ही था गंगा नदी, तो उसने भी बहुत अच्छा, मम्मी तुम्हें कहीं घूमा नींद आ रहा है, तो देखो थोड़ा सा ये भाई थोड़ा सा बोरिंग तो है। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से भाई वो जो बोटानिकल गार्डन का ही है, तो आप सब भी आना, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन हो गया अभी बेसिकली, उसमें भाई बहुत सुंदर से डेकोरेशन किया हुआ था गाछ का, तो उसका भी वीडियो करके मैंने छाड़ा था, ये छोटा सा वीडियो। तो नेक्स्ट है श्री कृष्ण जी का प्रसाद जन्माष्टमी में, तो हमारे राम दीदा ने हम सबको इनविटेशन किया था, उस समय बहुत सुंदर से सजाया था श्री कृष्ण जी का पूजा का प्रसाद, उसका वीडियो करके डाला था। तो नेक्स्ट और एक बार है श्री कृष्ण जी का प्रसाद, इसमें था भाई मैं बोल रहा हूँ क्या क्या था, पायस था, उसके बाद लोची था, फ्राइड राइस था, ये सब था बेसिकली, तो बहुत टेस्टी था, उसके बाद तालेर बोड़ा था, तो हाँ ये सब तो मेरा फेवरेट है, तो उसके लिए खाया दाया बहुत अच्छा लगा था, तो बहुत मिष्टी टिस्टी भी था। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में है कृष्ण जी का एक बहुत ही सुंदर वीडियो, तो हाँ एक गाना देकर ही किया था, तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना मम्मी, तो ये बेसिकली रानू दीदा का घर का जो क्या बोलू मंदिर है उसमें था, तो मैंने वीडियो करके दिया था जन्माष्टमी था। तो चलो ये है पूरा क्या बोलू सिंहासन भाई, बहुत सुंदर था, प्रणाम कर लो। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में है हमारा पासी का घर में पिंकी आंटी ने मस्त प्रसाद दिया था जन्माष्टमी में, तो उसका एक वीडियो, तो भाई बहुत प्रसाद दिया था है ना, तो उसका वीडियो किया था। तो नेक्स्ट भी इसमें भाई तालेर बोड़ा सब है, प्रसाद प्रसाद पायस लूची, तो बहुत टेस्टी था। तो नेक्स्ट वीडियो में है हमने हमने हम लोग भाई जा रहे थे कल्याणी में एक दुर्गा पूजा का पैंडल होपिंग में, तो इस समय बोनगंज स्टेशन का एक वीडियो किया था, उसका एक है, तो नेक्स्ट लेवल था हमारा बोनगंज स्टेशन, बहुत सुंदर है हमारा बोनगंज स्टेशन, मेरा वीडियो में आप सब बहुत बार देख पाओगे, तो उसका ही वीडियो किया था, क्योंकि इस स्टेशन से भाई बहुत सारा मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भाई सोचा एक शॉर्ट बना देता हूँ, तो किया था। अभी नेक्स्ट जाते हैं, चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में है हम लोग मायापुर में गए थे, तो वहाँ पे भाई जब फॉरेनर्स था वहाँ पे आके सब डांस कर रहा था बेसिकली, तो सॉन्ग चला कर ही ये करता हूँ, क्योंकि भाई वो सब गाना गा रहा था, उनका एक बच्चे को ऐसे घूम कर ये कर रहा था, फॉरेनर्स को देख कर बहुत अच्छा भी लग रहा था कि वो सब हमारा जो रिलीजियन है हमारा जो गॉड्स है उन सबको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम सबको भी करना चाहिए बेसिकली, सबको रिस्पेक्ट तो है ना मम्मी, सबको उससे आप भी एक्सपेक्ट पाओगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा मैं इन कर देता हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट कर देना। मम्मी बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट करो। तो हाँ, and as always, I will say that stay kind, humble and grateful because you are human being, never forget that. तुम्हें बोलता होगा ना। तो thank you so much for watching. अगर आप सबको ये वीडियो, ऐसा वीडियो अच्छा लगे तो आप सबको अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएगा, मैं ऐसा एपिसोड जरूर लाऊंगा बहुत ज्यादा। मम्मी के साथ भी एक्शन है ना मम्मी, तो हाँ, विद अ ग्रेट एनर्जी इस वीडियो का एंड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय मम्मी भाई का, तो बाय। चलो एक स्माइल दो अच्छे से, स्माइल और मुझे भाई बिल्लू बहुत क्यूट लगता है, ये दोनों भाई एक साथ था मैंने हिंदी बंगाली मॉम हिंदी बोल रहा है। Should you?